सच। नमस्कार, आज मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश शासन के भूतपूर्व मंत्री उमंग सिंगार के विरुद्ध उनकी पत्नी ने बलात्कार, अपकृतिक कृत और जबरन बंधक बनाए जाने का आरोप लगाया। इस विषय को लेकर पूरे राजनीतिक हलकों में सरगमी हंगामा मचा हुआ, सरगमी हो रही है, आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। इन सब से हटकर हम इस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, क्या पत्नी को बलात्कार का आरोप लगाने का अधिकार है? क्या संविधान में यह प्रावधान है कि कोई पत्नी अपने पति के खिलाफ जबरन संबंध बनाने का आरोप लगा सकती है और पुलिस उसमें अपराध दर्ज कर विवेचना कर सकती है? इस विषय को लेकर अनेक बिंदु है, अनेक कई बार अनेक महिला संगठनों ने इसमें मांग भी की है कि भारतीय संविधान में इसका प्रावधान किया जाए और महिलाओं को जबरन संबंध बनाने पर अपराध दर्ज कराने का अधिकार मिले, लेकिन भारतीय संविधान में अभी भी इसका कोई प्रावधान नहीं है। ऐसा हम नहीं कह रहे, एक कर्नाटक का एक मामला है जिसमें कुछ वर्ष पहले एक महिला ने अपने पति पर आरोप लगाया कि उन्होंने जबरन संबंध बनाए और इसकी वजह से उनके ऊपर बलात्कार का, जबरन दैहिक शोषण करने का मामला दर्ज किया जाए, लेकिन पुलिस ने इस मामले में अनसुनी की और कोई मामला दर्ज नहीं किया और इस विषय में उन्हें न्यायालय की शरण लेने का सलाह दी। और जब महिला ने निचली अदालत में परिवाद दायर किया और ये कहा, मांग की कि साहब हमको पति के खिलाफ बलात्कार दर्ज का मामला दर्ज कराने का वो दिया जाए, न्यायालय ने गुणदोष के आधार पर यह बोला कि महिला के आवेदन पर पुलिस मामला दर्ज करे और पति को के विरुद्ध विवेचना करे। इस जब यह आदेश हुआ तो इस आदेश के खिलाफ पति ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका लगाई और याचिका में कहा कि यह संविधान की मंशा के विपरीत है और इसलिए इस निचली अदालत के आदेश को रद्द किया जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, कि इस मामले में यदि शिकायत हुई है तो जांच तो होगी और आपको ट्रायल फेस करना पड़ेगा, इसलिए आप जाकर निचली अदालत में ट्रायल को फेस करें। इस मामले को लेकर वो जो पीड़ित पति थे वो सुप्रीम कोर्ट आ गए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की और कहा, कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए कहा कि भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है कि जिसमें जबरन संबंध बनाने पर कोई पत्नी अपने पति के खिलाफ मामला दर्ज करा सकती है। इस विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट के बाद उन्होंने कहा इस मामले की पूरी समीक्षा करने की जरूरत है, इसलिए हम पूरे मामले को सुनेंगे और इस विषय को लेकर हम इस विषय पर फैसला सुनाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में जो पीड़ित पति था उसने वो निचली अदालत को लेकर के आदेश को लेकर बोला कि वहाँ विवेचना और मेरी गिरफ्तारी हो सकती है। इस विषय को लेकर हाईकोर्ट ने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जाके निचली अदालत को बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला विचाराधीन है और इस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। हालांकि उन्होंने उस पर गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई, ना किसी विषय का रद्द करने का बोला, लेकिन संपूर्ण समीक्षा की बात करने की बात सुप्रीम कोर्ट ने की। यह सारी प्रक्रिया 22 मई 2022 की है और इसलिए उस विषय को लेकर यहाँ चर्चा करना इसलिए आवश्यक हो गया है कि देखिए, यदि इस तरीके का अधिकार भारतीय संविधान में अभी है नहीं, यदि मिलता है तो जितने भी दहेज प्रताड़ना के मामले हैं या पति पत्नी के विवाद है वो इस स्तर पर जाकर आ जाएंगे कि आपराधिक मामलों की बाढ़ आ जाएगी और पुलिस को विवेचना का, आप सोचिए सारे पुलिस की ताकत इन्हीं मामलों में लग जाएगी। अभी एक नया ट्रेंड जो हमारे समाज में देखने को आ रहा है उससे पुलिस भी थोड़ा सा सकते में, और हम जो कानूनविद हैं वो भी इसको लेकर चिंतित हैं कि 498 में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि दहेज प्रताड़ना के मामले में 7 साल से कम की सजा है और पुलिस उसे सीधे गिरफ्तार नहीं कर सकती, उसे न्यायालय में चालान पुटअप करे और पेश करे। इस विषय को लेकर जब यह ऐसा प्रावधान हुआ तो जो पीड़ित महिला है उसके परिजन और तमाम लोग जो कानूनी प्रावधान चाहते थे उन्होंने देखा कि पति की गिरफ्तारी हो नहीं सकती या पति के परिजनों की गिरफ्तारी नहीं हो सकती, तो जो कानून के जानकार थे उन्होंने इस मामले में एक आपराधिक धारा का जोड़ लगा दिया, वह अप्राकृतिक यौनाचार है ना, धारा 377 के तहत मामला दर्ज कराते हैं और इस तरीके से मध्य प्रदेश में 100 से ज़्यादा ऐसे मामले दर्ज हो चुके हैं जिसमें अप्राकृतिक यौनाचार के मामले दर्ज हो रहे हैं। तो दहेज प्रताड़ना के साथ अप्राकृतिक यौनाचार का मामला दर्ज होने पर पीड़ित पति की गिरफ्तारियां हो रही हैं और इस विषय को लेकर थोड़ा सा पुलिस भी चिंतित है कि ये किस तरीके दिशा में जा रहा है। तो हमारा ये कहना है कि अभी बहुत सारी लंबी कानूनी प्रक्रिया है और कानूनी समीक्षा होना है, इसलिए उमंग सिंघार के मामले में कानून का क्या रुख होगा यह देखने वाला और सभी के लिए इस नजीर बनेगा। धन्यवाद। सिर्फ सच।